आप पंड्या जी ने जो जो बात कही वो मेरे ज्येष्ठ गुरु भाई हैं, मैं उनको अपने अपने प्रति गुरु भाई ही समझता हूँ। उनके साधना के प्रति ललक देखकर ही मुझे बहुत हो गया था कि ऐसा व्यक्तित्व गुजरात में चाहिए, और ऐसे व्यक्तित्व को चुनने वाले भी हमारे वशिष्ठ जी थे, और उन्होंने कहा कि एक बार उन्हें गोधन जाओ, और वो झटके साथ गोधन आए। इसकी श्रेष्ठता मैं जानता हूँ, क्योंकि जो ऊपर बड़े गुरुदेव बैठे हुए हैं उनको मालूम है किनको किन से जोड़ना है। हम चाहे कितने भी प्रयत्न करें, आज भी 12 साल हो गए, बाद में नहीं आए, लेकिन जब आए तो ऐसे जुड़े कि अब हमारे दोनों में इतनी घनिष्ठता हो गई है कि हम अहमदाबाद या गुजरात में जरूर गुरु कार्य करते हुए, विवेकानंद एक नहीं दो होंगे गुजरात में, तीन होंगे अगर वशिष्ठ जी है तो, हम जरूर कार्य फैलाएंगे। ये गुजरात की बातें हम भारत में फैलाएंगे, और हमारा ध्येय एक होगा कि वहां पैसा कोई काम नहीं करेगा, वहां साधना का क्षेत्र, साधना का ज्ञान, साधना की विद्या, साधना का मार्ग, हम सामर्थ्यवान होंगे। हम अगर धन की वर्षा करवा सकते हैं, हम तारा की अगर सृष्टि कर सकते हैं, तो हम आपके ऊपर निर्भर नहीं है। लेकिन शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु के पास से खाली हाथ कुछ ना ले। गुरु, छोटा बच्चा और देवता के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने को अगर खाली हाथ ले जाता है वो दरिद्र बनता है। शिष्य का कर्तव्य होता है कि अपना पूर्ण समर्पण कर दें, और गुरु वो है कि शिष्य को एक मार्ग बताए, उसके पास कुछ ना ले। कुछ ना ले का मतलब यह है कि वो उसके ऋण में ना रहे, इसलिए उसको पूछने का अधिकार है, उसकी परीक्षा लेने का अधिकार है, उसको लूटने का अधिकार है, उसको अपने अपने आप को लूट कर देने का भी अधिकार है। ये गुरु और शिष्य का संबंध है। मैं कभी कहता हूं कि कोई थोड़े शिष्य कहते हैं गुरु जी हमारे पास क्या है, फूल पत्ते जो भी है आपके चरणों में समर्पित है, मैं बोला गलती से भी ऐसा मत कहो। गुरु के सामने आप फूल पत्ते खाकर नहीं जी रहे, आप मिठाइयां खाकर जी रहे, सिल्क का शर्ट डालते हैं, आपका घर है, आपको सब है, आप फूल पत्ते मत कहो। कहो मैं सामर्थ्य के अनुसार गुरु जी मैं आपको दे रहा हूं, और जिस दिन ये बात कहोगे और गुरु कहेगा कि अगर मैं मेरे सामर्थ्य साथ करा दूं तो तू राई देता है, तू बेर देता है तो मैं नारियल दूंगा, तू छोटा सा पत्थर देता है तो मैं पहाड़ दूंगा तुझे, क्योंकि मेरा सामर्थ्य इतना है। तुम सामर्थ्य से समर्पण हो तो मैं भी सामर्थ्य के साथ समर्पण हूं। तुम बेर का ज्ञान देते तो मैं नारियल का ज्ञान देता हूं, तुम पत्थर देते तो मैं पहाड़ देता हूं तुम्हें, क्योंकि मेरा सामर्थ्य पहाड़ देने की क्षमता मेरे में है। कभी ये बात गुरु से मत कहो झूठ बात कि मैं फूल और पत्ती देते हैं, तुम्हारे पास जो है गुरु सामर्थ्य के साथ मेरा जो है वो समर्पित कर रहा हूं, ये बात कहो, और गुरु सामर्थ्य के साथ ही आपको समर्पण करेगा, अपना आशीर्वाद देगा, और तब आप संसार के सबसे भाग्यशाली होंगे। हमारे में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मैं ये बात पंडित जी में देखी थी, मुझे उनसे बहुत प्यार हो गया था। हमारे दोनों में चाहे बहुत दूरी हो रही होगी, बहुत दिनों के बाद मिले होंगे, लेकिन जब भी मिला मैं उनसे हूँ, और वशिष्ठ जी भी एक क्षण के लिए मिले थे। वे कहाँ यहाँ गुजरात भरूच में काम करते थे, कहाँ वहां से हैदराबाद आए, वो तो गुरु के ढूंढने में लगे हुए थे, कभी हम लग गए उनके हाथ, या ये गुरु की माया है कि जो हमारे साथ उनका मिलाप हो गया और वे पंड्या जी जैसे एक साधक को हमारे साथ परिचित करवा दिए, और हम आज गुरु कार्य करते हुए गुजरात में बढ़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा जहां भी राजस्थान जाएंगे और हरियाणा जहां भी जाना है पहुंच जाएंगे। ये मेरा विश्वास है कि मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिनके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूं, मुझे इसका आनंद है, प्रसन्नता है। मैं आज मेरा जन्मदिन ये कारण हुआ, ये गुरु जी का आशीर्वाद है। मेरे माता पिता ने मेरा जन्मदिन कभी नहीं मनाया, लेकिन आज तो मेरे माता पिता रहने पर भी मेरे माता पिता समय माता पिता समय गुरु को कहता हूँ, और मेरे गुरु जी जब से मिले हैं तब से मेरा जन्मदिन मनाते हैं। आप सब मेरे गुरु भाई हैं, आप मना रहे हैं तो गुरु जी को ही मनाना है। मेरे माता पिता ने मेरा जन्मदिन कभी नहीं मनाया, या मेरे सगे संबंधियों ने कभी नहीं मनाया। मेरे सगे संबंधी माता पिता गुरु वो वहां बैठे रहे, आपके रूप में मेरा जन्मदिन मना रहे हैं। ये कारण है मैं यहाँ आने का। आज अंबाजी का वह दिव्य धाम मैंने देखा, प्रसन्नता हुई। मेरा जो चिंतन था वो और भी बढ़ गया। और जब मैं इस बात के बारे में सोचने लगा कि मुझे यहां क्या क्या करवाना है, सच्चे साधक यहां बैठे हुए हैं तो उन्हें क्या प्रदान करना है। सुबह से दत्तू भैया लगे हैं, टाइम हो रहा है, इनको टाइम नहीं मिल रहा है, हम देखने के लिए इतना समय हो गया, इनको टिफिन नहीं मिला, उसका चिंतन नहीं, मैं उसे गुस्सा कर रहा हूँ, सुबह समय हो गया, हो गया, नींद नहीं है, ये सारी बातें। लेकिन अंबाजी शक्तिपीठ में एक हलचल सी मन में बची लगी हुई है कि यहाँ हवन करना चाहिए। वो कहता है नहीं कल सुबह माउंट अबू को जाना है, अभी रात के 11 बज जा रहे हैं, लोग खाना नहीं खाए, अभी साधक खाना नहीं खाए। तो मैं कहता हूँ, मैंने कहा कि तू इन सभी लोगों को लेकर माउंट अबू चला जा, मैं यहाँ चंडी हवन कर लेता हूँ, और बाद में ये लोग आएंगे
तो बोले तू यहाँ रहेगा तो ये सब लोग माउंट आबू कहाँ से आएंगे। मैं बोला तू उनसे पूछ कर तो देख, आइए मैं पूछ के देखता हूँ। तो आप बताओ मैं चंडी हवन बताऊँ या कल माउंट आबू देखने जाएंगे? तो मैं इस बारे में कह रहा था कि क्यों चंडी हवन की बात मैं कह रहा हूँ, क्यों यहाँ हवन की बात मैं कह रहा हूँ, ये सूक्ष्मता मैं आपको थोड़ी सी अंबाजी के बारे में थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूँ। यह सत्य है या इसके बारे में किसी को जानकारी है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो पुराण कहता है मैं वो बात बताता हूँ आपको। भगवान शिव जी और सती जी ये दोनों भी बहुत आनंद के साथ बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तो सती जी ने कहा कि इस संसार में आप रोज नाम लेते हो, किसका नाम है? तो शिव जी ने कहा मैं राम का नाम लेता हूं। तो बोले राम कौन है? वो बार बार जन्म लेते हैं, जो सभी जगह रमे हुए हैं उन्हें राम कहा जाता है। तो क्या ऐसा व्यक्ति तो है? उन्होंने कहा ऐसा व्यक्ति तो है इस संसार में। तो उन्होंने कहा किस राम के बारे में कह रहे हैं? तो आज तक 14 राम हो गए हैं, फिर राम जन्म लेने वाले हैं, तो इतना क्यों आप राम का नाम लेते हो? बोलते उनको वैसा पुरुष नहीं देखा, वो पुरुषोत्तम है, मैं उनके बारे में उन्हें नहीं देखा। ये बात सुनकर माता सती को लगा कि उसमें इतनी क्या विशेषता है। तो बोले बहुत विशेषता है सर, देखेंगे हम कहाँ चलेंगे। तो शिव जी ने कहा चल तो मैं बताता हूँ। तो तब राम और लक्ष्मण दोनों बहुत ही विरह वेदना से जा रहे थे, और जैसे ही शिव जी ने उस मनुष्य रूपी राम को देखा, जय सच्चिदानंद घन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसा शिव जी ने कहा। सती जी ने देखा और कहा ये किनको प्रणाम कर रहे हैं? एक मानव को जो पूरे वल्कल वस्त्र पहना हुआ है, जटाएं पड़ी हुई है, इसको कहते हैं सच्चिदानंद घन राम, जिनको सभी सारा संसार पूछता है, और वो इस मनुष्य के रूप में दोनों जाने वालों को पूछ रहे हैं। तो सती जी ने पूछा आप किनको प्रणाम कर रहे हैं? मानव को। तो कहा तुझे इसने अभी नहीं पहचाना सती, तुम्हें पहचाने का ज्ञान देते तो मैं पहचानती, सती जी ने कहा। तो यही वो राम है, तो आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? बोले मैं क्या बताऊं तुम्हें, इस संसार में सभी का दुख झेलने के लिए माता सीता ने और रामचंद्र जी ने एक बीड़ा उठाया है। किस स्त्रियों के जितने भी दुख हैं, जो मान अपमान होना, निंदाएं आना, वो सारे दुखों को सीता माता ने भोगने के लिए जन्म लिया है, और राम पति बनकर उनकी सहायता करने के लिए घूम रहे हैं। क्या ऐसा होता है? हाँ, रामचंद्र जी ने भी ये बीड़ा उठाया है कि कोई गृहस्थ अगर अपने तकलीफ में ऐसी निंदाएं प्राप्त करने वाली स्त्रियां हैं जिन्हें पति सुख प्राप्त नहीं होता या जिन्हें कुछ नहीं मिलता, उन सारे लोगों का दुख अपने लिए लेने के लिए राम और सीता ने जन्म लिया है, और वो राम जा रहे हैं, वही राम है, वो विष्णु स्वरूप राम है जिनका नाम लेता हूं, कि उन्होंने इन गृहस्थ सुख जिन्हें नहीं मिलता उसका दुख लेने के लिए अवतार लिया है। तो इसमें बड़ी बात आप भी तो है, तो मैं क्या भोग रहा हूं? उनका जो दुख है वो देख रहे हैं जो सीता और राम का नाम लेंगे, सीता और राम की साधना करके सीता और राम को स्मरण करेंगे, उनके घर में कभी पति पत्नी का दुख नहीं होगा, वो एक पत्नी व्रती है। सती जी हंस गए, पुरुष कभी एक पत्नी व्रती होते हैं? आप भी बातें करते हैं, पुरुष तो एक पत्नी बाजू में बैठी होती है, दूसरी स्त्री को लाइट मार देख कर देते हैं, ऐसे पति हैं आप, राम की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? तो शिव जी ने कहा मैं तो मेरे राम के बारे में, वो तो दयाघन है, मैं उनके बारे में तो ऐसी बात नहीं करता, तुझे जाना है तो तू जाके देख ले, उनसे पूछ ले कि वो एक पत्नी व्रती है या नहीं। सती जी ने कहा नहीं, ये बात हो नहीं सकती, देख सती मैं यहाँ वटवृक्ष के नीचे बैठा हूँ और राम वहां खड़े हुए, मैंने तो नमस्कार, मैं उनके सामने नहीं जा सकता, तुझे परीक्षा लेनी है तो तू जा। तो सती गई, कहा कि शिव जी ने फिर भी कहा देख हार कराएगी, हार कर आएगी तो उनके सामने जाने से उनके प्रणाम करके आ जाए, उनके पास नहीं जाना। तो क्या आप ऐसी बातें बताते हैं? मैं स्त्री हूं, मैं जानती हूं पुरुष के क्या गुण होते हैं। सती गई और रामचंद्र जी के सामने सीता बनकर खड़ी रही, सीता का वेश धारण करिए और खड़ी रही। तो लक्ष्मण एकदम चौंके रह गए और देखा कि अरे सीता माता यहाँ, लेकिन लक्ष्मण को ज्ञान था सीता माता तो लंका रावण था, हम तो ढूंढने में वनवास चले गए और सीता यहाँ किसे आई? उन्होंने प्रभु राम से कहा भैया सीता माता। रामचंद्र जी हंसे और बोलने लगे कि हे मैया, शिव जी को छोड़कर यहाँ जंगल में क्या घूमते हुए क्या कर रही है? सती लजा गई, बोली कि रामचंद्र जी ने मुझे पहचान लिया, कहा कि मैं मेरे सीता को पहचानता हूँ, इस स्त्री में इस संसार में मेरे सीता को मैं पहचानता हूँ, तो कितनी भी हो तो सती है, शिव जी को ढूंढते हुए यहाँ क्यों चिल्ला गए? सती जी लजा गई,
और आज जिसे कहते हैं कि उसे ही हम तुकाई या तुलजा भवानी, तू लजा भवानी तुलजा भवानी हो गई, जिसे आप तुलजापुर की माता कहते हैं, जिसे वो भी सती माता के रूप में वहां अवतरित हुई शिव जी के कहने पर, जो तुलजा भवानी तू लजा भवानी ऐसा शिवाजी शिव जी ने कहा और वहां स्थिर हो गई। और उसे ही मराठी में तुकाई तू का आई ऐसा मराठी में पूछा गया और उसे तुकाई भी कहते हैं। ये तुलजा भवानी का वृत्तांत मैं इसलिए बता रहा हूं, सती जब वहां से आई तो शिव जी ने पूछा क्या हुआ, सती जी लजा गई कि ये बात अगर बता दूं कि मैंने सीता का वेश धारण करके रामचंद्र के सामने गया और उन्होंने पहचान लिया तो शिव जी क्या समझेंगे। वो कुछ नहीं बोलती हुई खड़ी हुई, शर्मा रही थी। तो शिव जी ध्यान लगाकर देखने लगे कि ये क्या बात हो गई। उन्हें पता चला कि सती ने छल किया है रामचंद्र से, वो सीता बनकर उनके सामने खड़ी थी। तो किसी भी पुरुष को अगर अपनी पत्नी दूसरों के सामने खड़ी होती है पत्नी बनकर तो क्या लगेगा। शिवजी ने प्रमाण कर लिया, मेरे राम मेरे आराध्य सच्चिदानंद घन श्री राम के सामने इसने ऐसा कार्य किया और वो पहचान गए तो मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सती के साथ सती से दूर रहूंगा। ये उन्होंने मन में प्रतिज्ञा जैसी ही आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि शिव जी तुम धन्य हो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। ये बात सती जी ने भी सुनी, सती को लगा कि क्या क्या आकाशवाणी हुई है, ये क्या है, तुमने मरण में क्या प्रण किया है ये मुझे बताओ। शिव जी ने कुछ नहीं कहा, तुम चलो। दोनों चलते हुए कैलाश पर्वत पर आए, कैलाश पर्वत के पास वे लोग शिव जी खड़े हुए और ध्यान मग्न हो गए। ऐसे 80,000 वर्ष हो गए और शिव जी ध्यान में ही लग गए। जब सती जी देखी कि शिव जी ध्यान मग्न हो गए और उन्हें देखा नहीं गया, तो जब उनका ध्यान टूटा, जब उन्होंने देखा कि आकाश से बहुत बड़े विमान यक्ष गंधर्व किन्नर कुबेर देवताएं सब कैलाश के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं, तो उनके उस आवाज से शिवजी उठे और देखा कि सब लोग जा रहे हैं। तो सती जी ने पूछा ये क्या हो रहा है शिवजी, उन्होंने प्रणाम करके पूछा। तो शिवजी ने हंसकर कहा तेरे पिता दक्ष प्रजापति महान यज्ञ बना रहे हैं और उस यज्ञ में सारे देवताओं का अवमान हो रहा है और देवताएं जा रहे हैं ऊपर से। तो उन्होंने कहा 80,000 साल हो गए, अपने पिता की याद आई और कहा कि क्यों अपने घर में और गुरु के घर में कभी बिन बुलाए जा सकते हैं हम, इसलिए वो तो मेरे पिता का घर है, वो तो मेरे गुरु का भी घर है, तो मैं दक्ष प्रजापति के घर में जाती हूँ। सती ने कहा, शिव ने कहा वो मेरा विरोध करता है, वो मुझे चाहता नहीं है, तुझे इच्छा हो तो तू चली जा। और बाकी का आपको पता है, सती जी वहां गई, वहां जाने के बाद उनका अपमान हुआ, शिवजी का अपमान वह सहन नहीं कर सकी। उसने कहा मेरे पति का अपमान मैं सहन नहीं कर सकती, कल अगर मैं जिंदा भी रहूं इस अपमान सहन करके मैं शिवजी के पास भी जाऊं तो मुझे दाक्षायणी कहेंगे या दक्ष प्रजापति की कन्या कहेंगे, और मैं इस जिस पिता ने मेरा नाम लेकर ये किया है मैं उस पिता का नाम नाम निशान मिटा देने चाहिए, ये कलंक देह मैं जिस पिता से प्राप्त किया है और जिस शिवजी के प्रकरण पर मैंने कलंक शरीर वाला प्राप्त किया है मैं शरीर को भस्म कर दूंगी कि मेरा नाम कल कोई दक्ष प्रजापति के साथ मेरा नाम जुड़कर ना ले। और उन्होंने यज्ञ में कूदी लगा दी और उस शरीर को लेकर जब शिवजी ने कोई पता चला कि पत्नी ने कूदी लगा दी है, वे तो उनसे अलग रह रहे थे, पहले ही व्यथा थी और उसके बाद उनको ये पता चला कि मेरे प्रेम के कारण मेरे कारण उसने केवल परीक्षा मेरे कहने पर ली थी, ये गलती के कारण उसने शरीर त्याग दिया है, तो वे उनका शरीर अपने स्कंधे पर डालकर तांडव नृत्य करने लगे कि हे दक्ष प्रजापति मैं तुझे देख लूंगा। और उन्हें बेटा से वीरभद्र या कुत्या का निर्माण किया और सारे देवताओं का हलचल मचा दी। और उसके बाद सती को दुखी देखकर शिव शिव जी जा रहे थे तो सभी लोगों ने कहा तांडव नृत्य से प्रलय होगा, हे भगवान विष्णु आप कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि जब तक शिव जी के शरीर पर सती का शरीर है तब तक शिव जी ऐसा ही तांडव नृत्य करेंगे और प्रलय बनाए रहेगा। उसमें उन्होंने कहा कि पहले सती के शरीर को खंडित कर दो और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़कर सती के शरीर को खंडित कर दिया। वो खंडित करते हुए जो भी भाग पड़े और जैसे शिव जी नाच रहे थे जैसा सुदर्शन चक्र उनका शरीर काट रहा था उनके नृत्य करते करते जो शरीर के भाग उड़कर जहां भी गिरे वो उसमें एक भाग हृदय का यहाँ गिरा जहां हम आज अंबाजी के नाम से पूजने पूजा करने के लिए जाते हैं। जब यहाँ सती के अंबाजी का यह वृत्तांत हुआ और यहाँ शक्तिपीठ यहाँ बना हृदय बना और यहाँ प्रार्थना करने के लिए भगवान विष्णु ब्रह्मा महेश्वर स्वयं भी यहाँ आए और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत महान शक्तिपीठ बनेगा जहाँ संतप्त हृदय सा सती का हृदय पड़ा हुआ है। इसके बाद एक दिन की बात है हुआ ये कि ब्रह्मर्षि प्रभु और उनके एक पुत्र थे, उनके एक मानस पुत्र थे, उस मानस पुत्र का नाम शांडिल्य था और उनकी पुत्री
के रूप में माता अनुसुईया का जन्म यही बिंदु सरोवर के पास कहते हैं हुआ। तो वो ऋषि इतनी तपस्या कर रहे थे कि मुझे एक ऐसी पुत्रिका मेरे से ऐसा पुत्रिका और एक ऐसे पुत्र का जन्म हो जो संसार भर में प्रसिद्ध हो, संसार भर में देवताएं भी उनके उस कार्य को देखकर उनकी प्रशंसा करें, ऐसे पुत्र को पुत्री को मेरे मुझे प्रदान करो। उन्होंने अंबाजी के पास यह मन्नत मांगी या यह याचना की। यह याचना सुनकर उस ऋषि के, वो भी ब्रह्मऋषि के, उनकी याचना सुनकर उन माता ने कहा कि तथास्तु, तुझे ऐसी ही पुत्री और ऐसे ही पुत्र का उत्पन्न होगा और अनुसुईया माता का यहाँ जन्म हुआ जो यही हम बिंदु सरोवर कहते हैं, वहां उनका आश्रम है ऐसा कहा जाता है। माता अनुसुईया बढ़ती गई तो एक बार क्या हुआ कि यहां से महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली किसी कार्यवश यहां से दूर सोमनाथ के मंदिर को आकाश मार्ग से जा रही थी। जब वे यहां आए तो उनके पैर आकाश से उड़ नहीं सके, वे इनके पैर कुंठित हो गए, आगे उड़ ही नहीं सके। उन्होंने देखा ऐसा क्या हुआ कि हम यहाँ उड़ नहीं सक रही है। तब देखा कि माँ का सती का हृदय यहाँ से किसी को उड़ने की शक्ति नहीं, यहाँ कुंठित हो जाती है। महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली यहाँ तीनों उतरे और उन्हें देखा कि यहाँ क्या चीज है, तो उन्हें लगा कि यहाँ सती का हृदय पड़ा हुआ है और ये बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, यहाँ रोज बहुत सारे ऋषि आराधना करते हैं, यहाँ जो भी मन्नत मांगो पूर्ण होती है। तो उन्होंने कहा सती कौन होती, हमारे से बढ़कर तो सती कोई होती ही नहीं, ये किसका हृदय पड़ा हुआ है। उनको लगा कि, और वे वहां नमस्कार नहीं करती हुई आगे बढ़ी तो आगे अनुसुईया का आश्रम से वे उड़ी तो यहाँ उनने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से पूछा ऐसे कौन सी बड़ी बात है, यहाँ हमसे उड़ नहीं सके तो क्या बात होगी, हम रथ पर चले जाएंगे। वो यहाँ से रथ पर से गए और अनुसुईया आश्रम से, जहाँ अनुसुईया छोटी सी बेटी थी, उन्हें देखकर कहा ये कौन है, ये ऋषि की पुत्री है अनुसुईया जिसका नाम है। तो वे हंसने लगी, ये भी पुत्री है और ये इस अंबाजी शक्तिपीठ की याचना से उनके आशीर्वाद से प्राप्त हो गए और वे हंसकर वहां से चली गई। इसका, इस हंसने का और अंबाजी को नमस्कार नहीं करने का फल उन्हें मिला कब, जब ये बात जाकर नारद जी ने बता दी कि तीनों महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली जी ने सती के इस अंबाजी के हृदय शक्तिपीठ को भी नमस्कार नहीं किया और अनुसुईया को भी हंसते रहे। बहुत दिनों की बात हो गई, बाद में अनुसुईया जी की शादी हुई और वे अत्रि महर्षि के आश्रम में चित्रकूट में रह गए, लेकिन वहां भी अनुसुईया माता अंबाजी की आराधना किया करती थी अपने पिता के कहने के कारण, और पिता का वह मंत्र वो दिया हुआ। तो उसने, अनुसुईया जी ने पूछा था कि ऐसा यह क्या है कि हम, तो पिता ने कहा कि मैं ऐसी याचना करते हुए मैंने वर पाया है अनुसुईया जी से कि तू संसार की सर्वश्रेष्ठ पुत्री कहलाएगी। और जब अत्रि महर्षि से उनकी शादी हुई और वे वहां रहने लगी तो इस कारण के वश कि अंबाजी ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी से कि तेरी पत्नियां बहुत गर्विष्ठ हो गई, उन्होंने मेरा नमस्कार भी नहीं किया और वो चली गई यहाँ से। तब नारद जी को यह काम सौंपा गया कि इनके गर्व का हरण हो, तो उन्होंने कहा कि अब इसके लिए कुछ कार्य करना है। तो पहले नारद जी को विष्णु भगवान ने कहा हमारे घर वैकुंठ आ जाओ। नारद जी गए और लक्ष्मी माता जी के पास गए और कहा अरे वाह भोली मैया क्या कर रही हो यहाँ। तो उन्होंने कहा देख यहाँ मैं माखन बना रही थी, आज आया नारद बहुत दिन से बाद, तू मानस पुत्र है बहुत दिन के बाद आया, क्या बात है कैसे क्या आ गए। आने नहीं यूं ही आ रहा था लेकिन मैंने बहुत चमत्कार देखा है पृथ्वी पर। उन्होंने कहा चमत्कार देखा है, क्या चमत्कार देखा है। अरे भाई मैंने देखा है कि जिस गंगा को विष्णु भगवान के चरणों से निकलते हुए देखा है, एक ऐसी ही स्त्री है अनुसुईया माता, उन्होंने भी अपने पति के चरणों को नमस्कार करते हुए जैसा ही अपने नाम लिया और उसने अपने अंगूठे से भी नदी को प्रवाहित किया, वो भी गंगा के समान बहती है और उसका, उस नदी का नाम है मंदाकिनी, वो बहुत पवित्र नदी है। लक्ष्मी को ठन के साथ माता टनका, मेरे भगवान विष्णु के चरणों से गंगा निकली और एक स्त्री भी अपने चरणों से गंगा निकालती है, उसका नाम मंदाकिनी है, वो भी बोले बहुत पवित्र नदी है। नारद जी तो वो तो लगान झगड़ा लगाने वाले थे ही थे, उन्होंने झगड़ा तो लगा दिया। लक्ष्मी भागी विष्णु भगवान के पास गई, बोली ये क्या बात है, कोई अनुसुईया नाम की स्त्री है, उन्होंने भी गंगा अपने अंगूठे से पैदा किया, तुम्हारे अंगूठे से गंगा उतरी है और वो भी पैदा की, वो स्त्री इतनी श्रेष्ठ है। विष्णु भगवान बोले ये बीज बो के नारद जी चले गए, बोले नारद कहाँ है देख लिया। जब तक लक्ष्मी आ गई नारद जी भाग खड़े हो गए, बोले नारद जी ये बात बताओ कि क्या उन्होंने अंगूठे से मंदाकिनी नदी को निकाला है। बोले ये बात तो सत्य है तो आप क्या कर रहे हैं, फिर मैं भी अंगूठा लगाती हूँ। माता लक्ष्मी ने दो बार अंगूठा लगाया कि नदी नहीं निकली। बोले विष्णु से निकला, उस स्त्री से निकलता है, मेरी स्त्री से नहीं निकलता, ये बात क्या है।
कहा तो उतनी उसकी उतनी महान नहीं है। अब लक्ष्मी जी को कोई पति कहे कि दूसरी स्त्री तेरे से बढ़कर है तो पत्नी को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। वो कहने लगी कि क्या वो मेरे से भी बढ़कर है? अब ये बात तो नहीं कहता, लेकिन तू अंगूठे से नदी नहीं निकाल सकती, या मैं निकाल सकता हूं तो ये अंशुया निकाल सकती है। तो आप बोलिए आज से आप ये बात याद रखो, आपको अगर घर में खाना है मेरे साथ रहना है तो आप अनुसुईया को नीचे बताए जिस दिन, उस दिन मेरे घर को आना, नहीं तो मैं आंसू उठ के चली गई। आप भगवान विष्णु से कहा ये बात क्या हो गई उस नारद को, मैंने क्या मैं अनावश्यक रूप से बातें कर गया, अरे जान दो मेरे खाना खिला दो भाई, खाना जब तक नहीं आएगा जब तक मेरे अंगूठे से या तो नदी निकालो या तो अनुसुईया को नीचे या नीचा बता दो, दो में से कोई काम करो। बोले ये तेरे अंगूठे से तो पानी आने की बात नहीं, हाँ अनुसुईया को नीचे दिखाने की बात जरूर कर सकता हूँ। विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठ के भाग खड़े हुए अत्रि महर्षि के पास, नारद जी वहां से निकले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए और बोलने लगे अरे बेटा तू कहाँ से आया? सरस्वती वहां बैठी थी, बहुत दिन हो गए यहाँ नहीं आया, इधर से नहीं आया, मैंने बस यही गुजर रहा था, लेकिन मैंने बहुत पृथ्वी पर बहुत बड़ा चमत्कार देखा। चमत्कार क्या बात है, क्या क्या बताऊं तुम्हें चमत्कार? मैं अत्रि महर्षि के आश्रम में गया था, माता अनुसुईया वहां बैठी हुई थी, उसने ऐसा गायन सुनाया कि सारे देवता उसके पास पशु पक्षी भाग के खड़े होकर आ जाते हैं। मेरे वीणा से भी बढ़कर, तुम्हारी वीणा तो कुछ काम नहीं करती, मेरी वीणा ही काम नहीं करी उसके सामने तो तुम्हारी वीणा क्या काम करेगी? सरस्वती को माथा ठनका, बोली ब्रह्मा जी तुमने कहा था कि मेरी वाणी सिद्ध है और मेरी वीणा सिद्ध है, और ये कौन अनुसुईया पैदा होगी जो मेरे से वीणा अच्छी बजाती है? ब्रह्मा जी बोले ये कुछ गड़बड़ है, ये किसने कहा? ओ नारद आए थे अभी बता रहे थे, उसको नारद को बुला। जब तक ब्रह्मा आए सरस्वती देखने, नारद भाग के खड़े हो गए, बोले नारद को चला गया ये बात बता दो वीणा है या नहीं, मेरी वीणा बड़ी है उसकी वीणा? उसने कहा वीणा तेरी बड़ी है लेकिन उसकी बहुत बड़ी है। अरे बहुत बड़ी क्या मतलब, क्या हुआ, क्या मैं वाणी नहीं? नहीं तू वाणी है, वीणा है, लेकिन वो बहुत सुंदर बजाती है, मैंने भी सुनने के लिए गया था। बोले मेरे को बिना बताए आप कब गए अनुसुईया की वीणा सुनने के लिए? अब ये बात अलग है, जहां संगीत अच्छा होता है वहां तो सुनना जाना ही पड़ता है। आज आप दो मिनट की बात खड़ी बता रही हैं, या तो मेरे को वो वीणा सुनाओ या नहीं तो आप यहाँ घर से भाग खड़े हो जाओ, उसकी उसका अपमान करके आ जाओ। अब ब्रह्मा जी शर्मा था, बोले मैं नहीं से बात भूल लिया, मैं बोला यही बात ठीक है, तेरे को तो उसके जरा वीणा नहीं बजाना नहीं सिखा सकता, मैं जाके उसको ही नीचा बता के आता हूँ। मैं जाता हूँ, ब्रह्मा जी भी निकले आए, यहाँ से सीधा निकले, हमारे नारद जी गए कैलाश पर्वत पर, माता पार्वती बैठी हुई थी अपना काम कर रही थी, बोले आ नारद बहुत दिन से आया हुआ है, ये दे मैं मोदक जैसा लड्डू बनाया तेरे लड्डू खाने के लिए। महानारद जी ने लड्डू लिया और खाते, बोले अरे क्या हुआ? अरे उस लड्डू के सामने ये लड्डू कुछ काम नहीं था। किस लड्डू के सामने? अरे मैं बोला अनुसुईया माता के पास नीचे अत्रि आश्रम में गया था, क्या अमृत भरा लड्डू था उसका, तो उसकी रुचि तो किसको नहीं आती। सीता ने कहा, पार्वती जी ने कहा, क्या मेरे लड्डू से भी अच्छे? अच्छा जरूर, हाँ उस हाथ में अमृत है ऐसा कहते हैं लोग, कि उसके जैसा लड्डू कहीं नहीं मिलता, उसके सामने अन्नपूर्णा भी खाली है। माता पार्वती स्वयं अन्नपूर्णा कह रही थी, उन्होंने कहा क्या बात कहता है, मेरे लड्डू से भी वो लड्डू अच्छा है, तूने खाया? मैंने वहां लड्डू खाते खाते हुए तुम्हारा लड्डू था, कुछ काम का नहीं। शिव जी के पास गई, बोली ये क्या कहता है कि मेरे लड्डू से भी अनुसुईया का लड्डू नहीं। बोले वो तुम्हें उसके उसके बारे में चिंता करने कोई बात नहीं, उसको पतिव्रता धर्म है, वो बहुत बड़ी पतिव्रता है, इसलिए उसके हाथ का जो भी बनाया हुआ है ना वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं पतिव्रता नहीं हूँ, मेरा लड्डू खराब लग रहा है तो उसको क्यों पतिव्रता बताता है? उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं, आप शिव जी से पूछ ले सकती है। भागी भागी गई पार्वती माता, बोली ये नारद क्या कह रहा है, अनुसुईया नाम की कोई स्त्री है वो मेरे से भी पतिव्रता है जो उसका लड्डू अमृतमय है और मेरा नहीं? शिवजी ने कहा इसने तो झगड़ा लगा दिया। बोले ये बात सत्य है, लड्डू तो अनुसुईया का ही ठीक है, मैंने भी खाने के लिए गया था। आप अरे आप कब गए थे? मैं बोले मैं लड्डू यही वो अच्छा बनाते हैं इसलिए मैं खाने के लिए गया था। अब कुछ शर्म आनी चाहिए, मेरे को बताना लड्डू कैसा बनाते हैं। आप वो तो मैं बता नहीं सकता, लड्डू तो खा के आया हूं और वो लड्डू आपके घर से भी अच्छा है। अभी देखे तो शिवजी को कहा या तो लड्डू बनाना सिखाओ नहीं तो सीधा उसके घर को जाओ, यहाँ आने यहाँ रहने की जरूरत नहीं। अरे ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं, क्यों मेरे से भी पतिव्रता अगर है तो या तो मेरे को पतिव्रता उससे भी बढ़कर है ये संसार को बता दो, नहीं तो उसको नीचा बता दो, ये दोनों में कौन सी तो भी बात होनी चाहिए। तो शिवजी ने कहा तू असुईया है और वो अनुसुईया है, इसलिए मैं वहीं जाता हूँ। और शिवजी भी नीचे आ गए, तीनों जब उस चित्रकूट के पास तीनों भी मिले, बड़े भाई क्या कहाँ आए हैं, अरे क्या बताएं, नारद जी झगड़ा लगा गया, तीनों की तीनों यहाँ उतरे यहाँ आए हैं, अब अनुसुईया के आश्रम में उसको नीचा दिखाना है। तीनों गए और उसकी बाकी कथा तो आपको बताएं। शिव उनको नीचा बताने के लिए वो गए और जैसा ही अनुसुईया के पास भिक्षा मांगने के लिए अनुसुईया जी ने कहा कि अतिथि आप आए हैं, अतिथि सत्कार
तो अतिथि को कहते हैं, कहा कि आपको जो चाहिए मैं अजुया अत्री की पत्नी आपको अतिथि देने के स्वीकार है। तो उन्होंने कहा एक बात है, हम तुम्हारे से अन्न तभी ग्रहण करेंगे जब आप विवस्त्र होकर हमें अन्न दीजिए। उन्होंने अपने पति से प्रार्थना की, अगर मैंने पतिव्रत धर्म का कारण निभाया है और अतिथि को भी मैं मेरे घर से यही नहीं भेजती तो ये सत्य है कि ये मेरे साथ विवस्त्र के होकर ही मेरे से अन्न ग्रहण करें, ऐसा कुछ हो। और उन्होंने ध्यान कर लिया कि दो मिनट में ही वो तीनों छह महीने के बच्चे बन गए। छह महीने के बच्चे बन गए और उन्होंने विवस्त्र होकर अपना स्तनपान उन तीनों को करवा दिया। इधर साल पे साल बीतते गए, एक साल हो गया, दो साल हो गया, तीनों भी देखने लगे पति गए तो उधर ही अनुसुआ के घर में लड्डू खाते बैठे हुए हैं, ये कहां गए कहां। अब ये जो देखने की बात थी, उन्होंने नारद को बोले, ये नारद को पकड़ो कहां है, ये इसने ही ये जड़ बोया है, इसको तो पकड़ो कहां है। उतने में नारायण नारायण करते हुए नारद जी वहां जाए, अरे नारद इधर आए इधर आए। बोले क्या बात है, अब तो आज तो इसको कुछ ना कुछ करना है, लक्ष्मी जी इसका तो गला घोट दूंगी मैं, ये मेरे पतियों को झगड़ा लगाकर भाग जाने वाला है, तू इधर। तो सरस्वती ने कहा जरा तेरी वीणा तो दे दे। बोले मैं बहुत दिन हो गया स्त्रियों से दूर रहकर बात को बड़ा व्रत रखा है। अरे ये तेरी व्रत की बात तो है, तू बात तो कर, बात भी मैंने करना बंद कर दिया, बहुत दूर से बात कर रहा हूँ। हाँ अगर दूर से बात करना चाहती है तो बात करो, नहीं तो मैं राम कहते हुए चला। अरे मेरी बात सुन, बात सुनने की कोई बात नहीं, बस इतनी बात मुझे पता है अनुसुईया श्रेष्ठ है, और भी मिर्ची तेल डाल रहा था उनमें काम में, ये तो पहले ही पति के बारे में परेशान थी, बाद में उसमें ये बात भी कह दी कि हम इस बात को देखें कि अनुसुईया ऐसी है। अब उनको तो लगा कि ये नारद को पकड़े, अब आखिर में देखा कि नारद भागे जा रहा है। अरे भाई तू रुक जा, तुझे शपथ है नारायण की, वो बात कहते नारद रुक गया। बोले अब तेरे से क्षमा मांगते, ये बता दे कि हमारे तीन पति है कहां। बोले अब मैं यहां से बताता हूँ, यहां से देखो आप कहां है, तुम्हारे पति तीनों भी पालने में झूल रहे हैं, पालने में झूल रहे हैं, ये क्या बात हो गई। अब ये आप जाने अनुसुईया जाने, मैं तो चला, रुकने के लिए कह दिया रुक गया, अब मैं चला। कहां चला, मैं चला, आप देखो आपके पति और आप जाने। तीनों आए झांकने लगे, वो एक बात नारद ने जाते जाते कह दी, गलती से भी उसके घर में जाके आपके पति को नहीं छूना, वो तो एक बार आंख से देखेगी ना भस्म कर देगी। अरे बोला ये क्या, हम महाश्रेष्ठ महालक्ष्मी काली और उसके सामने, अब तुमने देखा तुम्हारे पति ही जब नन्हे बच्चे पढ़कर पड़े हुए हैं तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी, तुम वहां जाने की कोशिश मत करना। ये तीनों गए, बस देखे कि अनुसुईया माता नहीं है, नहाने के लिए पति के एक सेवा में है, तो तीनों भी खिड़कियों से झांकने लगे। तो भगवान विष्णु जो छोटे बच्चे के रूप में थे लक्ष्मी को देखकर हंसने लगे, तो बोले जल्दी आ जा बाहर, अब कहां से बाहर आऊं यहां पालने में, यहां मैं बाहर आ नहीं सकता। शिवजी को देखे, पार्वती देखी, तीनों भी हंस रहे और इनको चिढ़ आ रही थी, कहीं इनको लगा कि कहीं अनुसुईया आ गई तो शापग्रस्त, और कुछ ये तो बच्चे बने, हमारे को और कोई पेड़ पीड़ बना दी तो बात खत्म हो जाएगी। आप उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, फिर क्या बात है, नारद से फिर पा गया, अरे भाई कुछ मार्ग तो बताए, इसमें कुछ मार्ग तो होगा, एक ही मार्ग है, आप उनकी शरण में जाओ। मास्टर्स की मार्ग कहा कालिकीनो उनके पास गए और कहा कि हे अनुसुईये हम तेरे शरण में आए, ये बता दे हमारे पतियों को हमें लौटा दे। अरे ये तुम्हारे पति है मुझे पता नहीं है, जबकि माता अनुसुईया को पता था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी ही है, और कहा कि मैं तुम्हारे से याचना नहीं करके तुम भी मेरे पास आई हो तो तुम्हारे साथ में ही कहती, बस एक ही बात कहती हूँ कि तुम्हें अगर तुम्हारे पति चाहिए तो तुम्हें अंबाजी के यहाँ जाना है और दर्शन लेना है, जिसके कारण आपको ये दुख भोगना पड़ रहा है। और महाशक्ति महालक्ष्मी महाकाली अंबाजी आए, उन्होंने वहां नमस्कार किया और कहा कि क्या करना है, क्या करना है। तो महासरस्वती को और महालक्ष्मी को, महासरस्वती ने कहा कि मेरे को तो इस पृथ्वी पर स्थान नहीं है, मैं तो मेरी पूजा मेरे पति की पूजा नहीं होती, इसलिए मैं पुस्तक रूप में यहाँ रहती हूँ, इसलिए मेरी तो मेरे पास मैं लेकर मेरा यंत्र चले जाती हूँ। बीसा यंत्र जो उस समय महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली ने अपने पतियों को स्मरण किया और बोला कि हमें किस तरह इसका उद्धार हो, तो उस समय उन्होंने कहा कि हम तीनों भी त्रिकोण में बैठे हुए हैं और हमने बीसा यंत्र बनाया है, इस यंत्र की तुम पूजा करो, और इस यंत्र का एक मंत्र है जो तुम्हारी ही बीजाक्षरों से आरंभ होता है, इसकी अगर जो आराधना करोगी तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। उस बीसा यंत्र को महालक्ष्मी और महाकाली इन दोनों ने लिया, और महासरस्वती जो महासरस्वती ने लेने के बाद कहा कि अब यंत्र की पूजा करते हैं। जैसे ही उस यंत्र के ऊपर उन्होंने पुष्प रखा और वो पुष्प रखकर उन बच्चों को अर्पण दे दिया, माता अनुसुईया आज
तुम जिस अंबाजी का अपमान करके यहां से जा रही थी इसलिए तुम्हारी ये सब अपमान भोगना पड़ा, मैं उस अंबाजी की आराधना करती हूँ इसलिए मैं आपसे इसे कहलाई। तो उस दिन उन्होंने कहा कि हे पतिव्रता शिरोमणि, आप हमारे से पतिव्रता है, माता जी के सामने हम कहते हैं हम सती भी हैं लेकिन पति हैं, क्योंकि उन्होंने अंबाजी की साधना की थी और वो यहां से ही नजदीक में ही माता सती अनुसुईया का जन्म का स्थान पड़ता है, यह सभी को यहाँ के लोगों को भी पता है। तो इस तरह